यस आई एम लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह, वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग एक छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नया अपडेट देखने चल रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं नया अपडेट के बारे में पूरा जानकारी लेने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स कब हैं, कब से कब हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फॉर्म को कब से कब तक फिल कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ हम लोग लेने वाले हैं। तो फिलहाल एक बार चेक कर लेता हूँ सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं। तो अभी चलते हैं, पहले जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एज लिमिट के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सारा हम लोग जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल ये हमारा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का अपडेट है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन CGPS प्री SSE 2023 इसका अपडेट आ चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं तो अभी आपको अपडेट सारा दे रहा हूँ। तो फिलहाल तो हमारा अपडेट क्या होने वाला है, अपडेट हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, 1 दिसंबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इसका लास्ट डेट कब है, आपका 30 दिसंबर क्या है, आपका लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपका लास्ट डे स्टार्ट कब हमारा हो रहा है, 1 दिसंबर से, यानी कल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, और करेक्शन डेट करेक्शन विंडो कब आपकी ओपन हो जा रही होने वाली है, 2 से 3 जनवरी के बीच में आपका क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है, 2 से 3 के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है। सारा ये जो डेट होता है CGPS का, ये पूरा एक टेंटेटिव डेट एक बार पहले रिलीज होता है, उसी के आधार पे होता है, यानी ये फिक्स्ड है, हमारा फिक्स्ड होने वाला है। प्री एग्जामिनेशन कब हमारा होने वाला है, 11-12 यानी 11 फेब को हमारा प्रीलिम्स का पेपर होगा। ठीक है, 11 फरवरी को हमारा प्रीलिम्स का पेपर होगा, प्री का। फिर मेंस की बात करी जाए, मेंस हमारा 13 से 16 जून के बीच होगा। ठीक है, कई पार्ट में होते हैं, हमारा 13 से 16 जून के बीच होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहे, उसको हम बता दिए। और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड की बात करी जाए, एज यूजल जानते ही हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तब उसके 10-15 दिन पहले या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल किया जाता है। तो ये रहा कुछ अपडेट्स थी जो हमने इम्पोर्टेंट डेट्स में आती थी, हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम अपने एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी जाए, एप्लीकेशन फ़ीस हमारा अदर स्टेट के लिए 400 है, यानी अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो अदर स्टेट वाले अगर भर रहे हैं उनको 400 देना होगा। अगर जो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल वाले हैं, यानी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनको एक भी पैसे नहीं देने होंगे, यानी कि उनको पैसे नहीं भरने होंगे। करेक्शन चार्ज, अगर आपके कोई गलतियां, अगर फॉर्म भरते हुए आप कोई गलती कर दे रहे हैं, तो इसीलिए भाई कहा जाता है कि फॉर्म भरते समय दिमाग को अपने कंट्रोल में रख के सारी चीज़ों को सही सही भरें। अगर आप करेक्शन में कुछ में मतलब मिस्टेक कर दिए फॉर्म फिल करते हुए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, तो आपको 500 चार्ज देना होगा, किसके लिए, फॉर्म करेक्शन के लिए। ठीक है, और पे एग्जामिनेशन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप इसके मोड से अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जमा कर सकते हैं। तो ये हमने जो आपको बताया एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में और सारी चीज़ें जानकारियों के बारे में हमने बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कि कितना एज लिमिट की बात की जाए। एज लिमिट मिनिमम आपका 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 28 to 40 होना चाहिए। पोस्ट वाइज इसको आप देख लीजिएगा, आपके उसमें मिल जाएगा पोस्ट वाइज आपका क्या होना होता है, 28 से 40 ईयर्स तक होता है पोस्ट वाइज। इसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं, उसमें कुछ 28 साल मांगता है, किसी में 30 मांगता है, इस तरीके से बहुत सारी पोस्टों में 28 से 40 तक मांगता है, आप उसको देख लीजिएगा। अभी नहीं तो हम इसके जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसमें जाके देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, हम जानेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को आसानी से फिल कैसे करेंगे, उसको भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 2023, इसमें टोटल पोस्ट हमारी कितनी है, 242 पोस्ट हैं। वैकेंसीज हमारी कितनी है, 242 वैकेंसीज है। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन SSE 2023 242 पोस्ट, और बैचलर डिग्री इसको एलिजिबिलिटी कौन है, बैचलर वाले भर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी करे रहे होंगे उनको ये भर सकते हैं। ठीक, तो ये जो मोटी मोटी जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी है। और अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए, पैटर्न क्या है रहेगा एग्ज़ाम का, तो प्रीलिम्स विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसमें 400 मार्क का होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो 400 मार्क्स का होगा। और फिर मेंस विल बी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन फॉर 1400, यानी कि जो हमारा
मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, रिटर्न बेस्ड होगा, यानी कि उसकी लिखना पड़ेगा आपका, रिटर्न बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, कौन सा हमारा, मेंस का, ठीक है। तो 1400 मार्क का होने वाला है, फिर आपका इंटरव्यू राउंड होने वाला है जिसका वेटेज 100 मार्क्स का होगा, 400 नंबर यहाँ मिलेंगे, 1400 आपका मेंस में होगा, फिर यहाँ इंटरव्यू होगा। यानी कि हम जान लेते हैं पहला स्टेज हमारा प्री का होगा, ठीक है, पहला स्टेज हमारा प्री होगा, दूसरा हमारा मेंस होगा, ठीक है, मेंस होगा, फिर तीसरा हमारा क्या होने वाला है, आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो यानी कि आपको तीन स्टेजों से होके गुजरना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के बाद। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आप फिर मेंस को क्वालिफाई करना होगा, मेंस जब क्वालिफाई करेंगे तब आप इंटरव्यू राउंड में बैठेंगे। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आप पहले प्री करिए, फिर उसके बाद मेंस करिए, तब आप इंटरव्यू में कहीं पहुँचने वाले हैं। तो ये चीज़ें रही हमने जो बता दिया आपको। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो इसमें दो पेपर होने वाले हैं, एक जनरल स्टडीज, एक एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो इसमें 100-100 क्वेश्चन दोनों में होते हैं, इसमें 200 मार्क होता है, फिर 2-2 घंटे आपको अलॉट किए जाते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी 1/3 मार्क्स आपको कट जाएंगे हर एक गलत आंसर के ऊपर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके से हम अपडेट आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा जो भी फॉर्म का अपडेट होता रहेगा मैं आपको देता रहूँगा, और जैसे कि एडमिट कार्ड आपका आया तो मैं बता दूंगा। और अब आसान तरीके से हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे वो जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तो फिलहाल ये अभी आपको आपके एप्लीकेशन जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है ये इसमें देखिए बहुत सारे क्या हैं, आपके पोस्ट दिए हुए हैं, पोस्ट के बारे में हम लोग अभी डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख के एक बार इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और अब पोस्ट वाइज की बात करी जाए। पोस्ट वाइज में आपका देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका 8 पोस्ट है, स्टेट फाइनेंशियल सर्विस ऑफिसर में 6 पोस्ट हैं, फूड इंस्पेक्टर में 3 पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज ऑफिसर 11 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का 6 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट ऑडिट फाइनेंस डिपार्टमेंट का NL का, यानी कि अभी कोई इसका कोई भी डेटा नहीं अवेलेबल है। फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का एक वैकेंसी खाली हुई है, स्टेट टैक्स असिस्टेंट का बात की जाए कमीशन का आपका 6 वैकेंसीज खाली हुई हैं, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल का 6 हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल कास्ट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 10 पोस्ट हैं, आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का 14 हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर का 11 पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट पंचायत का 10 पोस्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का अभी कोई डेटा नहीं है आपके पास हमारे पास, और चिल्ड्रेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का 7 पोस्ट है आपके पास, और छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंटेंट का कितना पोस्ट है आपका सर्विस का 23 पोस्ट है, और नायब तहसीलदार का 42 है, यानी कि आपका जो नायब तहसीलदार वाले हैं तो इनका क्या है ठीक ठाक पोस्ट है भाई 42, और फिर एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर का 34 पोस्ट है, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर का 44 पोस्ट है, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का कोई भी पोस्ट नहीं है। तो फिलहाल नायब तहसीलदार कौन होते हैं, तहसीलदार जो आपके खेतों का लेखा जोखा रखते हैं, और जो आपका हो गया ये तहसीलदार का बेसिकली काम क्या होता है आपका जो आयजात निवास हो उसको अप्रूव करना, मतलब उनके बहुत सारे रोल होते हैं। तो फिलहाल ये जो सारी पोस्ट थी हमने आपको बता दी, अब आते हैं कि इस फॉर्म को आसानी से भरेंगे कैसे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप करेंगे जाएंगे सरकारी रिजल्ट पे आप जाके पहले वेबसाइट को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सीधा आएंगे नीचे, यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन मिल रहा है, रिजल्ट का सेक्शन, एडमिट कार्ड का सेक्शन और लेटेस्ट जॉब का सेक्शन। तो इसमें आपको सारे फॉर्म का अपडेट मिल जाता है। तो आप यहाँ से सिंपली आएंगे, यहाँ कहाँ लिखा है CGPS छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये रहा, इस पर आप सिंपली ऐसे क्लिक करेंगे, आपका पूरा डिटेल खुल जाने वाला है। यहाँ पर देखिए सारा आपका डिटेल दिया हुआ रहेगा, डिटेल दिया है ना कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई रहेंगी। और सीधा आप नीचे चले जाइएगा, आप अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देखना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लिंक अप्लाई ऑनलाइन पे, अभी लिंक आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है,
ठीक है, जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं एक बार आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार हम लोग चल लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते ही यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023-26, ये आपका नोटिफिकेशन 26 तारीख का ही आया हुआ है, 26 नवंबर का आपका ये नोटिफिकेशन है जिसमें कि आपका सारा डिटेल दिया हुआ है। आपका ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल होने वाला है, या 1 नवंबर से 12 बजे से दिन में मध्याह्न यानी 12 बजे दोपहर से आपका शुरू हो जाएगा। 30 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे 11:59 यानी रात के 11:59 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो फिलहाल जो जानकारियां थी मैंने आपको बता दी, और अगर कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फॉर्म भरने में कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। बस आज के लिए इतना ही, इस अपडेट के बारे में हमने आपको सारा बता दिया था। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।